हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ के वी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ एक्साम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास सेवन इंग्लिश ये क्वेश्चन पेपर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है सेक्शन ए बी एंड सी सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन जिसमें कि एक अनसीन पैसेज होगा एंड देन दे विल बी एट एम सी क्यूज नेक्स्ट आपका राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है राइटिंग कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव होगा ऑफ सिक्स मार्क्स जिसमें की दे विल बी टू क्वेश्चन थ्री मार्क ईच ग्रामर में नाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे लास्टली लिटरेचर जिसमें की क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे जाएंगे इसकी वेटेज सेवेंटीन मार्क्स की है जिसमें की थ्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड बाकी फोर्टीन मार्क का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा ओके ओके सो रीडिंग रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन बिलो पहले पैसेज को रीड करिए और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बेस्ड उनको आंसर करिए पैसेज है आपका अबाउट बीज मधुमक्खियों के बारे में बीज आर इंसेक्ट्स बीज इंसेक्ट्स होती हैं बीज आर स्पेशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे कैन फ्लाई अभी आप जानते हैं कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे कि आंट्स जो उड़ नहीं सकते बट बीज स्पेशल इंसेक्ट्स हैं बिकॉज दे कैन फ्लाई दे कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एरोप्लेन एरोप्लेन की तरह वो हवा में उड़ते हैं बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स ऑब्वियसली क्योंकि उनके विंग्स होते हैं इसीलिए ही वो उड़ पाती हैं

बीज हैव थ्री मेन पार्ट्स दे हैव अड दे हैव अ बॉडी एंड दे हैव अटिंगर स्टिंग डंक को बोलते हैं द स्टिंगर इज़ यूज टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज स्टिंगर को वो यूज़ करती है एनीमीज से खुद को डिफेंड करने के लिए बचाने के लिए दे ऑल्सो हैव सिक्स लेग्स सभी इंसेक्ट्स के सिक्स लेग्स ही होते हैं दे यूज देयर लेग्स टू क्लाइम एंड स्टैंड दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स टू ईट एंड कलेक्ट पोलन ये लेग्स के यूज़ दिए हैं पोलन उन्हीं से कलेक्ट करती है खाना उन्हीं से खाती है एंड दे कैन क्लाइम एंड स्टैंड ऑल्सो बीज लिव इन मैनी प्लेसेस कहाँ कहाँ पर रहती है बीज दे लिव इन अफ्रीका ओके अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका द ओनली कॉन्टिनेंट दैट बीज डू नॉट लिव इज इजटार्कटिका सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बीज नहीं मिलेगी और वो है अंटार्कटिका आई आई अंडरस्टैंड वाई दे डोंट लिव इन अंटार्क्टिका और हम समझते हैं क्यों वो वहाँ नहीं रहती बिकॉज इट्स टू कोल्ड अंटार्कटिका आप जानते हैं कंप्लीटली पोलर रीजन में है तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम बीज आर नाइस टू ह्यूमन्स इफ यू डो नॉट बॉर्डर दैम दे विल नॉट बॉर्दर यू हैव फन वॉचिंग बीज दिस समर ओके अभी क्वेश्चन देखते हैं वॉट आर बीज बीज क्या है मैमल्स बर्ड्स रिप्टाइल्स या फिर इंसेक्ट्स ऑप्शन डी इज करेक्ट बीज जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं हाउ डू बीज फ्लाई कैसे वो फ्लाई करती हैं दे यूज़ देयर लेग्स दे यूज़ देयर हैड दे यूज़ देयर विंग्स ऑब्वियसली विंग्स ही यूज़ करेंगी हाउ मैनी लेग्स टू बीज हैव बीज के कितने लेग्स होते हैं टू फोर सिक्स एट सभी इंसेक्ट्स के सिक्स ही लेग्स होते हैं वॉट इज स्टिंगर यूज फॉर वो अपने स्टिंग को और डंक को कैसे किस लिए यूज करती है टू ईट फूड खाना खाने के लिए टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज दोनों के लिए ही या फिर नन ऑफ दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट खुद को बचाने के लिए अपने एनिमीज से वेयर डू बीज लिव बीज कहाँ रहती है नॉर्थ अमेरिका में एशिया अंटार्कटिका बोथ ए एंड बी तो सभी कॉन्टिनेंट्स में वो मिलती है एक्सेप्ट ऑप्शन सी तो यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा बीज आर स्पेशल दिस मीन्स बीज को कहा गया वो स्पेशल है इसका क्या मतलब है बीज आर नॉर्मल बीज आर रेगुलर बीज आर अनयूजल बीज आर एवरेज अनयूजअल है अलग है दूसरों से वॉट इज द ऑपोजिट ऑफ डिफेंड डिफेंड करने का ऑपोजिट क्या होता है रन Hide, protect, attack. एक है defend करना, खुद को बचाना एक है अटैक करना दूसरे पर सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा व्हाट इज कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट क्या है a large piece of connected land. इसे ही continent बोलते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ ए ऑप्शन इज करेक्ट ओके सो ये थे आपके एट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए अभी आगे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी राइटिंग पार्ट है ये सबसे पहला क्वेश्चन है सपोज यू आर यशेंद्र और यावनी आपके नाम दिए हैं यू लॉस्ट अ रिस्ट वॉच इन द स्कूल प्ले ग्राउंड आपकी रिस्ट वॉच खो गई है स्कूल प्ले ग्राउंड में राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट फोर्टी वर्ड्स आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लिखना है ये इन्फॉर्म करते हुए ओके तो देखिए कैसे लिखेंगे ओके okay, सो so इस तरीके से आप नोटिस लिखते हैं सबसे पहले तो नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है टॉप सेंटर में आपके स्कूल का नाम होगा केंद्रीय विद्यालय एक्सवाइजेड जो भी नाम है उसके नीचे कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे नोटिस लेफ्ट साइड डेट होगी उस दिन की देन लॉस्ट 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 आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच वॉस्टे ड्यूरिंग गेम्स पीरियड एट द प्ले थोड़ा टाइम की किस टाइम लॉस्ट हुई है और कहाँ पर प्लेस बता देना है इट इज़ अ टाइटन वॉच विथ सिल्वर केस ब्लैक डायल वाइट न्यूमरल्स एंड ब्लैक लेदर स्ट्राप थोड़ा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा ताकि फाइंडर को पता लगे कि वो एक्चुअली में आपकी ही है इतना कुछ नहीं लिखना है आप सिर्फ ब्रांड और कलर लिख देंगे वो बेनफ होगा एनीबड़ी हु फाइंड इट प्लीज़ रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड जिसको भी मिले वे जो नीचे नाम लिखा है इनको रिटर्न कर दें एंड गेट रिवॉर्डेड विद अ ट्रीट इन स्कूल कैंटीन स्कूल कैंटीन में उसको ट्रीट मिलेगी बहुत कैश प्राइज और ये सब नहीं लिखना है किसी भी चीज़ पर क्योंकि आप स्कूल में स्टूडेंट्स हैं सो so, या तो लिख दीजिए सिंपल द फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड सुटेबली या फिर उसको यही की कैंटीन में एक ट्रीट मिलेगी नीचे आपका नाम एंड क्लास इसके और में ही ये क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली नीचे कन्वर्सेशन आपको दी है बिटवीन टू गर्ल्स रोजी एंड रेहाना हेलो इट इज दिस ओके टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है सो सबसे पहले नंबर आपको दिया ये कोई रैंडम नंबर है येस yes, प्लीज़ तो रेहाना बोलती है हु इज़ इट देयर कौन है रोज़ी कहते हैं रोज़ी अ फ्रेंड ऑफ रोमा वेयर इज शी ओके तो ये रोमा की फ्रेंड है शायद रोमा को ही इसने कॉल किया है तो वो कहाँ पर है रेहाना ओ सॉरी एक्चुअली शी हैज़ फोगाटन हर मोबाइल हेयर एंड शी हेज़ गॉन टू द मार्केट कैन आई हेल्प यू प्लीज़ वो अपना मोबाइल भूल गई है यहाँ पर रोमा और वो मार्केट चली गई है मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ आपकी ओ श्योर इनफैक्ट आई वॉन्टेड टू कन्वे हर दैट टूडेज़ म्यूज़िक क्लास शैल बी सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज़ नॉट वेल मुझे उसको ये मैसेज uh, कन्वे करना था कि आज की जो म्यूज़िक क्लास है वो सस्पेंड हो गई है बिकॉज टीचर वेल नहीं है इंस्टेंट इट विल बी हेल्ड ऑन संडे अब वो संडे को होगी क्लास सो शी शुड रिमेंबर इट तो उसको ये याद रखना है कुड यू प्लीज़ पास दिस मैसेज टू हर क्या तुम ये मैसेज उसको पास कर दोगी ओ शॉर्ट थैंक यू एंड थैंक यू टू ओके नाउ एज रेहाना इज गोइंग टू हर डांस क्लासेस अब रेहाना को भी डांस क्लास जाना है शी नीड टू रीप्रोड्यूस दिस मैसेज फॉर रोमा उसको ये मैसेज लिखना पड़ेगा रोमा के लिए क्योंकि रोमा ऑब्वियसली मोबाइल वहीं भूल गई है अपना राइट द मैसेज ऑन बिहाफ विद एवरी डिटेल अब आपको ये मैसेज लिखना है सभी डिटेल्स के साथ ओके okay. मैसेज राइटिंग एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास सेवन से ये स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले तो ऊपर टाइम आता है क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है तो आप रहने भी दे सकते हैं या अपनी तरफ से कोई रैंडम टाइम भी लिख सकते हैं सपोज़ करिए टू पी एम टू पी एम पर यह मैसेज लिख रही है रेहाना डियर रोमा टुडे योर फ्रेंड रोज़ी हैड कॉल्ड अपॉन यू व्हेन यू हैड बीन टू द मार्केट जब तू मार्केट गई थी तो तुम्हारी फ्रेंड रोज़ी ने कॉल किया था इनफैक्ट शी हैड टू टेल यू दैट योर म्यूजिक क्लास शैल बी सस्पेंडेड वो तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि तुम्हारी म्यूज़िक क्लास जो है वो सस्पेंड रहेगी बिकॉज योर टीचर इज़ नॉट वेल इंस्टेड इट वुड बी हेल्ड ऑन संडे ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है सिर्फ जो इन्फॉमेसन उसने पास की है उसी को ही थोड़ा ग्रामेटिकली चेंज करके आप लिख देंगे इफ़ यू लाइक टू यू लाइक यू मे टॉक टू हर अगर तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो नीचे आपका नाम रेहाना दाद सॉल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज विद दी हेल्प ऑफ दी गिवन आउटलाइंस डेवलप आ स्टोरी इन आउटलाइन से एक स्टोरी डेवलप करिए द माइस इन अ हाउस एक घर में बहुत सारे चूहे अफ्रेड ऑफ आफ कैट होल्डिंग अ मीटिंग एक कैट से बहुत डरते हैं एक मीटिंग हेल्ड करते हैं वन प्रपोज टू तो टाई अ बेल राउंड द कैट्स नेक उनमें से एक प्रपोज करता है कि हमें कैट के नेक में एक बेल को टाई कर देना चाहिए घंटी बांध देनी चाहिए ऑल अग्री सभी अग्री करते हैं हु इज टू बेल द कैट ये एक सेम भी है इंग्लिश में कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा नो माउस ऑफर्स कोई भी अपनी तरफ से ऑफर नहीं करता द कैट अपियर सभी कैट आती है सभी भाग जाते हैं so, story हम लोग समझ ही गए हैं अभी जस्ट लिखना है आपको वंस द माइस लिविंग सर्टेन हाउस वेरी अनहैप्पी एक बार ये घर में कुछ चूहे रहते थे जो बहुत ही दुखी थे द कॉज ऑफ देयर वरी वॉज दैट देर वॉज अ कैट हु यूज टू किल देम रेगुलरली ऑबियसली वरी का रीज़न क्या था कि उस घर में एक कैट थी जो कि उनको रेगुलरली मारती रहती थी एट लास्ट दे हैड अ मीटिंग टू सी हाउ दे कुड गेट रिड ऑफ द कैट फाइनली वो एक मीटिंग रखते हैं कि कैसे वो कैट्स uh, को कैट uh, से अपना पीछा छुड़ाएंगे वन माउस सेट दे शुड लीव द हाउस अभी थोड़ा सा स्टोरी को क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा थ्री मार्क का ये क्वेश्चन है सो so, एक दो चीज़ें आपको अपनी तरफ से एड ऑन करनी होती है सो so, एक सजेस्ट करता है कि हम घर छोड़ देते हैं अनदर सेट दैट दे शुड नॉट कम आउट ऑफ देयर होल्स एक कहता है कि हम अपने होल्स से बाहर ही नहीं आएंगे देन अ यंग माउथ टूड अपन सेड अस टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक एक उनमें से फिर सजेस्ट करता है कि बेल के सॉरी uh, कैट के नेक uh, के चारों तरफ हम बेल uh, को टाई कर देते हैं देन व्हेन द कैट कम्स जब भी कैट आएगी वी वुड हेयर द बेल एंड कैन गेट आउट ऑफ इट्स वे हमें बेल सुनाई देगी और फिर हम वहाँ से भाग जाएंगे ऑल द माइस शाउट गुड दे ऑल थॉट इट वॉज अ वेरी गुड प्लान इन डीड सभी सोचते हैं कि तो बहुत अच्छा प्लान प्लान है नाउ एन ओल्ड माउस टूडप एंड सेड फिर एक ओल्ड माउस खड़ा होता और है और कहता है द प्लान इज नो डाउट गुड प्लान एक्चुअली में बहुत अच्छा है बट हुई द बेल अराउंड नेक लेकिन बेल कौन करेगा कैट को नो माउस ऑफर टू डू इट सडनली द कैट अपियर एंड ऑल द माइस रन इन टू देर होल्स नेक्स्ट इसका और पार्ट है राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू ये क्वेश्चन आई थिंक फिफ्थ क्लास से ही शुरू हो जाता है अपने अगर इनफॉर्मल लेटर आता है तो जनरली इसी तरीके से होता है कि आपको आपके अंकल को थैंक यू बोलना है उन्होंने आपको जो बर्थडे प्रेजेंट भिजवाया है उसके लिए अब इसमें कुछ ऐसा आपको लिखना है जो आपके लिए यूजफुल भी हो जैसे कि जनरली आप कोई बुक लिखते हैं या फिर कोई रिस्ट वॉच जनरली लिखी जाती है क्योंकि आपके काम आ जाती है वो और एक दो सेंटेंसेस उसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं ओके okay. सबसे पहले एड्रेस समथिंग समथिंग डेट डियर अंकल थैंक्स लॉट फॉर द लवली प्रेजेंट यू सेंड मी ऑन माई बर्थडे

चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कम्प्लीट sentences. सबसे पहला सेंटेंस है इफ़ इट रेन की कौन सी फॉर्म आएगी टुडे वी विल नॉट गो टू प्ले अगर आज बारिश होती है सो इफ़ इट रेन्स टुडे तो हम खेलने के लिए नहीं जाएंगे बी ऑप्शन इज करेक्ट यू ब्लैंक डू वॉट द टीचर टेल्स यू तुम्हें वो करना चाहिए जो टीचर कहे सो यू शुड डू वॉट द टीचर टेल्स यू इट ब्लैंक रेनिंग सिंस मॉर्निंग सुबह से बारिश हो रही है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग रोहित कॉल्स अप रजत टू मेक अ प्लान फॉर द वीकेंड रोहित कॉल करता है रजत को वीकेंड के लिए कोई प्लान बनाने के लिए कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन रोहित एंड रजत बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन आपको डायलॉग कंप्लीशन का क्वेश्चन है डायलॉग्स कम्प्लीट करने हैं ऑप्शन भी दिए रोहित क्या क्वेश्चन पूछेगा ब्लांक दिस वीकेंड जिसका आंसर रजत करता है आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान सो वॉट आर यू डूइंग दिस वीकेंड आर यू प्लानिंग समथिंग दिस वीकेंड विल दे बी एट होम दिस वीकेंड सो ऑब्वियसली उसने कहा है कि मेरा कोई स्पेशल प्लान नहीं है तो उसने वही पूछा होगा दैट आर यू प्लानिंग समथिंग फॉर दिस वीकेंड बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट हाउ डू यू लाइक द आइडिया ब्लैंक द जू तुम्हें यह आइडिया कैसा लगेगा कि हम जू को विजिट करने जाए दैट साउंड्स गुड बट आई नीड टू टेक माई पेरेंट्स परमिशन अच्छा है बट मुझे पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी सो हाउ डू यू लाइक द आइडिया टू विजिट द जू सी ऑप्शन इज करेक्ट दट सॉल चूज द करेक्ट ऑप्शन द थीफ्स थीफ का क्या वर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा हेल्पर पार्टनर कंपेनियन अ कम्प्लेस इसमें अ कम्प्लेस करेक्ट होगा कम्प्लेस हम एक ऐसे पार्टनर को बोलते हैं जो हेल्प करता है आपकी टू डू समथिंग बैड स्पेशली एक क्राइम में अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है सो अ नीदर ही नॉर हिज सिस्टर ब्लैंक देयर ना वो ना ही उसके सिस्टर वॉज देयर द एजुकेशनल एजुकेशन फंडामेंटल राइट राइट इज ओके ये जम्बल सेंटेंस है सो द राइट

देर इज अल देर इज अ वे जहां पर जहां चाह वहां रहा सो वेयर वेयर देर इज अल देर इज अ वे ओके इसी के साथ ग्रामर सेक्शन हमारा ओवर होता है नेक्स्ट uh, है लिटरेचर रीड द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द्वेश्चन आस्क बिलो एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज ये मीडो सरप्राइजेस से क्वेश्चन है द बरोज इन द ग्राउंड अनेस्ट नीत बीनीथ टॉल ग्रासेज दमेजिंग माउंट ओ मीडो हैव सरप्राइजेस एंड मैनी थिंग टू टेल यू मे डिस्कवर दिसज योर सेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल वॉट डज द पोएट सजेस्ट अस इसमें पोएट हमें क्या सजेस्ट करता है टू वॉच कीनली एनिमल्स एक्टिविटीज टू ट्रेवल इन टू द मीडो टू प्ले विद द एनिमल्स टू स्पेंड टाइम इन रेस्टिंग ऑन दी ग्रास वो कहता है कि मीडो और को ट्रैवल करो बाकी चीजें वहां पर आपको एनिमल्स की एक्टिविटीज को भी बोलता है बट मेन बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट वी पोएट मीन बाई मीडो हाउसेज मीडो हाउसेज से क्या मतलब है उसका बरोज एंड माउंट्स ऑल ऑफ अब सभी मीडो में जितने भी एनिमल्स हैं उनके हाउसेज को वो रेफर कर रहा है यहाँ पर सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द मीडो वन नीड्स मीडो की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आपको क्या चाहिए टाइम इंटरेस्ट कीन आइज एंड शार्प ईयर्स ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स में इनको आंसर करना है इन वॉट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड दिस साइकिल वेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड जब वो टूल शेड से वापस आता है तो अपनी बाइसिकल को किस कंडीशन में पाता है जब वो वापस आता है फ्रॉम द टूल शेड तो जो ऑथर है ही फाउंड हिज हिज फ्रेंड सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद फ्रंट व्हील बिटवीन लेग्स उसने पूरा जो वो साइकिल था उसको डिसम्बल uh, कर दिया था सभी पार्ट्स को अलग कर दिया था एक सेकेंड इसका आंसर वैसे दिखाई देते हैं आपको बिकॉज लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा सो आंसर विल बी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द टूल शेड द ऑथर फाउंड दैट हिज फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स He was moving it between his fingers. Okay, next. Why has cricket a large viewership in India, not in China or Russia? इंडिया में क्रिकेट की इतनी ज्यादा व्यूअरशिप क्यों है चाइना या रशिया में नहीं तो हम जानते हैं जो कंट्रीज अंडर कॉलोनियल रूल जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है क्रिकेट वहीं पर ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि वहीं से ही ये गेम शुरू हुआ था ब्रिटेन से दैट इज वाई क्योंकि इंडिया भी uh, काफी लंबे टाइम तक अंडर कॉलोनियल रूल रहा है सो so, इंडिया में ये फेमस है और चाइना और रशिया में नहीं सो so, आंसर आप लिखेंगे मोस्टली द कंट्रीज हु रिमेन अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल प्ले क्रिकेट इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना एक तो हम अंडर कॉलोनियल रूल भी रहे हैं ऊपर से सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है पीपल हेयर आर क्रेजी फॉर क्रिकेट सो इट इज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर क्रिकेटिंग वर्ल्ड नेक्स्ट वॉट ट्रीज डज मिस्टर वॉन्का मैंशन मिस्टर वोंका ने जब वो विटा वोंका बना रहे थे तो किन किन ट्रीज को मैंशन किया है अपने चैप्टर में विच ट्री डज ही से लॉन्गेस्ट कौन सा ट्री उन्होंने कहा कि ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ होती है इसकी मिस्टर वोंका मैंशन डगलस फॉर ओक एंड द ब्रिस्लिकॉन पाइन ट्री ब्रिस्लकॉन सो ये कुछ ट्रीज हैं जो उन्होंने मैंशन किए हैं अकॉर्डिंग टू हिम द ब्रिसकॉन पाइन ट्री लिवज दी लॉन्गेस्ट ये लॉन्गेस्ट लाइफ है इसकी बाकी ये कुछ और ट्रीज भी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर हाउ फायर एंड फोर से क्वेश्चन है सो uh, फायर so जो है एक अच्छा सर्वेंट है यानी कि जब तक आपके कंट्रोल में है तब तक बहुत अच्छा है बट अ बैड मास्टर अगर वो आपको ओवर पावर कर जाता है सो तो फिर वो बहुत खतरनाक हो सकता है ये क्यों कहा गया है आपकी पोएम में इट इज़ समाइम्स सेट दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर इट इज ओनली मीन दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप अंडर कंट्रोल फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आर फूड बॉम आर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे यूज हैं फायर के जब तक वो आपके कंट्रोल में है बट ऑन दी अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि आपका मास्टर बन जाता है इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो ये टू मार्कर्स थे नाउ आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स अभी फिर से दो क्वेश्चन को आपको आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स ही हैड बॉट इफ नॉट वाई नॉट जो कस्टमर ने दो डव्स खरीदे थे क्या वो उनको पालने में उनको फीड करने में टेक केयर करने में इंटरेस्टेड था अगर नहीं था तो क्यों नहीं फिर क्यों उसने उनको परचेज किया क्योंकि वो खुद एक बहुत लंबे टाइम तक प्रिजन में रह के आया था तो उसको पता था कि फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है सो so, हम जानते हैं उसने उनको फ्री कर दिया था आंसर आप लिखेंगे नो द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स एज ही हार्ड बॉट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्चुअली कीप दम एज पेट्स वो उनको एज पेट्स नहीं रखना चाह रहा था ही डिड नॉट इवन लिसन टू वॉट मिस्टर पर्सल वॉज अबाउट फीडिंग द ही स्पेंड हिज हार्ड अर्न मनी ऑन द डव्स जस्ट टू सेट दैम फ्री जेस उसने जो वहां पर प्रिजन में लंबे टाइम तक रहकर जो भी मनी अर्न की थी सिर्फ उन दो डब्स को फ्री करने में वो लगा दी नेक्स्ट वॉट चेंजेस टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स क्या चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से लोग अंडरग्राउंड होम्स में रहने लगे द सन बिकेम टू कोल्ड एंड सन जो है बहुत कोल्ड हो गया था द बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई देन एनिमल्स एंड फिश फॉलो टू उसके बाद फिशेस जितनी भी एनिमल्स हैं सभी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे खत्म होने लगे द एयर ग्रू थिनर एंड द टेम्परेचर फेल एक्सट्रीमली लो आउटसाइड उसमें अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया था हवा बहुत कम हो गई थी देयर दीज वर द चेंजेस दैट अकर्ड विच फोर्स पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड हाउसेज ये कुछ चेंजेस हुए थे जिन्होंने कि फोर्स किया लोगों को अंडरग्राउंड हाउस में रहने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड चांदनी हेट द रोप

कई बार बताया था उसके मास्टर ने बट स्टिल वो वहां पर जाना चाह रही थी शी वॉन्टेड टू बी फ्री नेक्स्ट अभी कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है डेथ इन इन एन ओपन फील्ड इज बेटर बेटर देन लाइफ अ स्मॉल ये चांदनी ने कहा था कि वहां पर ओपन फील्ड में अगर डेथ भी है जाना डेंजरस भी है तो वो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी राधर देन यहाँ पर एक छोटी सी हट में रहने के चांदनी सेट टू हर सेल्फ वॉट्स इट राइट डिसीजन right क्या ये सही डिसीजन है गिव रीजन फॉर योर आंसर आपको रीजन भी देना है अगर आप इसको सही बताते हैं या गलत बताते हैं इट वॉज द राइट डिसीजन बिल्कुल सही डिसीजन था फ्रीडम इनवॉल्व टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो बहुत सारे रिस्क भी आएंगे उसके साथ इट रिक्वायर वन टू बी ब्रेव एंड टू बी रेडी टू फेस एनी डिफिकल्टी एनी सर्कमस्टांसिस ऑन डिटेक्टिंग द वुल्फ चांदनी कुड़ हैव गॉन बैक टू अबू खान जब वुल्फ्स वहाँ पर उसको मिलते हैं तो वो वापस अबू ख़ान के पास जा सकती थी हाव एवर फॉर हर फ्रीडम वॉज़ मोर वालबल दैन लाइफ इसके लिए फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी थी शी डिसाइडेड टू फाइट द वुल्फ टू रिटेन हर फ्रीडम टेलिंग हर सेल्फ दैट सक्सेस और फेलियर वॉज अ मैटर ऑफ चांस उसने प्रेफर किया वुल्फ़ के साथ फ़ाइट करना जबकि एंड में क्या होगा एंड रिजल्ट क्या होगा वो जानती थी बट उसने कहा कि सक्सेस या फेलियर तो एक चांस की बात है

अगर जो वो चाह रही थी हिल्स पर जाना अगर वही नहीं हो पाता उसको उसकी फ्रीडम नहीं मिल पाती ये दोनों चैप्टर्स जो लास्ट था जिसने कि वो डब्स को फ्री करता है और ये दोनों ही फ्रीडम के ऊपर है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम तो यहाँ से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़रूर बनता है एनी नेक्स्ट इसी के और में क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ बेयर इन द बेयर स्टोरी द बेयर स्टोरी में जो बेयर था बेयर था उसका कैरेक्टर स्केच आपको बताना है कैसा वो था The baby bear was brought up on milk, Usko milk par hi brought up kia-gaya-tha He ate only vegetarian food he He never tasted meat, he liked apples and honey, he never attacked the animals. He entered the stable of mountain ponies in a friendly manner. The dogs played with him and pulled his ears and tails. The children enjoyed a ride on his back. He was quite friendly with children and other animals. He was gentle animal, he was the favourite of both the lady and the नेक्स्ट क्वेश्चन इज निषाद डिसाइडेड टू ट्रस्ट मिस्टर नाथ डू यू थिंक वी शुड ट्रस्ट अदर्स वाइसो निषाद ने इजीली ट्रस्ट किया मिस्टर नाथ पर आपको लगता है कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए और रीजन भी देना है सो वी शुड ट्रस्ट अदर्स दूसरों पर ट्रस्ट करना चाहिए वी शुड नॉट डाउट पीपल अराउंड अस अन देर इज अ स्ट्रांग रीजन फॉर इट विदाउट एनी रीज़न डाउट नहीं करना चाहिए जब तक कोई स्ट्रांग रीज़न ना हो पीपल माइट बी बिहेविंग इन अ वे विच माइट अपीयर स्ट्रेंज टू अर्स लोग किसे कई बार ऐसे इस तरीके से बिहेव करते हैं जो हमें थोड़ा स्ट्रेंज लगता है बट दे माइट बी ट्राइंग टू हाइड देयर पेन्स एंड ग्रीव थ्रू दैट लेकिन हो सकता है कि वो अपना कोई पेन छुपा रहे हो आपको ना बताना चाहते हो रीज़न वी शुड नॉट मेक जजमेंट अबाउट पीपल विदाउट प्रॉपरली नोइंग दैम कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहिए बिना उनको अच्छे से जाने ट्रस्ट इज द फर्स्ट स्टेप

डैड जो है वो स्टक थी ट्री में डैड कोशिश कर रहे थे प्लान्स बना रहे थे ए बी एन सी किस तरीके से वो उसको गेट डाउन करे बट द सिचुएशन वॉज रिवर्सड लेकिन एंड में सिचुएशन रिवर्स हो जाती है इन द क्लाइमेक्स ऑफ द पोएम वी सॉ दैट द कैट ऑन दी ग्राउंड स्माइलिंग एंड स्मोकिंग मिस मिस चीवियसली बाई दैट एंडेड अप स्टक इन द ट्री इन इट्स प्लेस ओके सो डार्ड जो है वो स्टक हो जाते हैं वहाँ पर एंड में और कैट जो है वो नीचे आ जाती है ओके okay, सो so, दैट्स ऑल्व स्टूडेंट्स ये था आपका एक क्वेश्चन पेपर क्लास सेवन इंग्लिश ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग